नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले पिन डायग्राम ऑफ 8275 सीआरटी कंट्रोलर। तो इसके पिन डायग्राम के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक पिन डायग्राम ऑफ 8275 सीआरटी कंट्रोलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पिन डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर कितने पिन हमारी, 1 से लेके 40 तक पिन है, 1 से लेके 20 तरफ इस तरफ है हमारी, और 20 21 से लेके हमारी 40 तक इस तरफ है। ठीक है, इन सभी पिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं लाइन काउंटर। लाइन काउंटर की हमारी पिन होती है LC3 से लेके LC0 तक, ये हमारी आउटपुट पिन होती है हमारी। दीज आर द आउटपुट सिग्नल्स ऑफ द लाइन काउंटर विच इज यूज टू एड्रेस द करेक्टर जनरेटर। तो ये हमारी क्या होती है, आउटपुट सिग्नल होती है लाइन काउंटर की, जिनका इस्तेमाल किया जाता है हमारा एड्रेस करने के लिए करेक्टर जनरेटर को, फॉर द करंट लाइन पोजीशन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर हमारी करंट जो लाइन की पोजीशन होती है उसके लिए। ठीक है, डीएमए रिक्वेस्ट DRQ आउटपुट पिन होती है हमारी ये। ठीक है, दिस आउटपुट पिन सिग्नल इज यूज टू रिक्वेस्ट द 8257 डीएमए कंट्रोल फॉर द डीएमए ऑपरेशन। तो इस आउटपुट सिग्नल का इस्तेमाल हमारा अनुरोध करने के लिए किया जाता है हमारा 8257 डीएमए कंट्रोलर को डीएमए ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पिन की बात करते हैं जो कि हमारी है डीएमए एक्नोलेज। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, डेक, ये हमारी इनपुट पिन होती है। ठीक है, द डेक इनपुट सिग्नल इज यूज्ड टू एक्नोलेज दैट द रिक्वेस्टेड डीएमए साइकिल हैज बीन एक्सेप्टेड। तो हमारी डेक इनपुट सिग्नल है उसका इस्तेमाल हमारा एक्नोलेज करने के लिए किया जाता है, हमारा स्वीकार करने के लिए किया जाता है कि दैट द रिक्वेस्टेड, जो हमारा रिक्वेस्ट की गई थी डीएमए साइकिल हमारी, उसका एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्लियर है बात। तो डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट की गई, अनुरोध किया गया था हमारा, उसको एक्नोलेज कर लिया गया, उसको स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेस HRTC आउटपुट। द HRTC आउटपुट सिग्नल इज एक्टिव ड्यूरिंग द प्रोग्राम्ड हॉरिजॉन्टल रिट्रेस इंटरवल। तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस इंटरवल प्रोग्राम के दौरान हमारे जो HRTC आउटपुट सिग्नल है हमारा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है हमारा। ड्यूरिंग द एक्टिव HRTC, तो हमारे सक्रिय HRTC के दौरान द VSP इज हाई एंड LTN इज लो। तो VSP हमारा वीडियो एक्सप्रेशन हाई रहता है हमारा, और LTN का क्या मतलब है, लाइट एनेबल हमारा लो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल रिट्रेस की, VRTC आउटपुट की। द VRTC आउटपुट सिग्नल इज एक्टिव ड्यूरिंग द प्रोग्राम्ड वर्टिकल रिट्रेस इंटरवल। तो हमारा वर्टिकल रिट्रेस इंटरवल का प्रोग्राम होता है, उस दौरान हमारा जो वर्टिकल VRTC आउटपुट सिग्नल वो एक्टिव रहता है हमारा, सक्रिय रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम के दौरान द VSP वीडियो एक्सप्रेशन हाई रहता है हमारा एंड LTEN इज लो। तो हमारा LTN लाइट एनेबल हमारा लो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं RD हमारा क्या, रीड, ये हमारी क्या इनपुट पिन है। ठीक है, दिस RD इज अ कंट्रोल सिग्नल टू रीड द इंटरनल रजिस्टर्स ऑफ द 8275। हमारा 8275 CRT कंट्रोलर उसके इंटरनल रजिस्टर को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा कंट्रोल सिग्नल होता है हमारा RD। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं WR, ये हमारा राइट होता है, हमारी इनपुट पिन होती है। ठीक है, द WR इनपुट कंट्रोल सिग्नल इज यूज्ड टू रीड राइट द कमांड्स इनटू द कंट्रोल रजिस्टर्स ऑफ 8275। तो हमारा 8275 है उसके कंट्रोल रजिस्टर में हमारे कमांड्स को, आदेश को लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल सिग्नल की तरह। ठीक है, या फिर और टू राइट डेटा इनटू द रो बफर्स ड्यूरिंग द डीएमए साइकिल। तो डीएमए साइकिल के दौरान हमारा रो बफर्स में डेटा को राइट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट पेन LPEN इनपुट पिन होती है हमारी ये। ठीक है, दिस इज एन इनपुट सिग्नल फ्रॉम द CRT कंट्रोलर। तो हमारी क्या होती है, इनपुट सिग्नल होती है हमारी CRT कंट्रोलर से, विच इन्फॉर्म, जो सूचना देती है हमारी द 8275 दैट अ लाइट पेन सिग्नल हैज बीन डिटेक्टेड। जो हमारी 8275 को सूचना देती है, इन्फॉर्मेशन देती है कि जो हमारा लाइट पेन सिग्नल है हमारा डिटेक्ट कर लिया गया, पता लगा लिया गया लाइट पेन सिग्नल का। ठीक है, क्लियर है बात। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटा बस की, जो हमारी होती है DB7 से लेकर DB0 तक। तो ये हमारे दोनों पिन का काम करती है, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। ठीक है, DB7 टू DB0 लाइन्स आर बाय डायरेक्शनल। हमारी क्या होती है, बाय डायरेक्शनल होती है, दो दिशाओं वाली होती है, ट्राई स्टेट होती है, तीन स्थितियों वाली होती है डेटा बस होती है हमारी, दैट आर यूज फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, जिनका इस्तेमाल हमारे रीड और राइट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, रीड और राइट के जो हमारे कार्य उनके लिए किया जाता है, फ्रॉम और टू द 8275 इंटरनल रजिस्टर। तो 8275 रजिस्टर से हमारा रीड करना हो डेटा को, या फिर हमें राइट करना हो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो एक्सप्रेशन VSP, ये हमारी आउटपुट पिन होती है। ठीक है, दिस आउटपुट सिग्नल इज यूज टू ब्लैंक द वीडियो सिग्नल टू द CRT। तो हमारा CRT पर हमारा जो वीडियो सिग्नल है उसको ब्लैंक करने के लिए, मतलब कुछ भी ना दिखे उस पर, कोई इन्फॉर्मेशन ना दिखे, उसको ब्लैंक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दिस सिग्नल इज एक्टिव हाई, तो ये हमारा एक्टिव हाई सिग्नल होता है हमारा। क्लियर है बात।
ये कब कब एक्टिव होता हमारा, ये हाई होता है, सक्रिय होता हमारा, ये यहाँ पर देखते हैं ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिट्रेस इंटरवल्स, इस दौरान हमारा एक्टिव हाई रहेगा, ठीक है। एट द टॉप एंड बॉटम लाइन ऑफ रोज इफ एन अंडरलाइन इज प्रोग्राम्ड टू बी एट लाइन नंबर 8 और ग्रेटर देन 8, तब हमारा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। When in end of the screen or end of the row is detected, तो end of screen or end of row का जब पता लगा लिया जाता है, ठीक है, detect किया जाता है, जिसको देखा जाता है हमारा, तब हमारा क्या रहता है, active रहता है हमारा ये, ठीक है। When DMA under run occurs, ठीक है, तब हमारे क्या रहता है, active रहता है। At regular intervals to create blinking displays is specified by the cursor character attribute or field attributes program, ठीक है। तो regular intervals पर हमारा blinking displays को create करने के लिए, ठीक है, अगर हमारा क्या किया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है बाय कर्सर करेक्टर के द्वारा एट्रीब्यूट और फील्ड एट्रीब्यूट प्रोग्राम को, क्लियर बात, तब हमारा क्या रहता है, ये सिग्नल हाई रहता है, तो दिस सिग्नल इज एक्टिव हाई, ठीक है, क्लियर बात। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, जो कि हमारा रिवर्स वीडियो आरवीवी, ठीक है, ये हमारे आउटपुट पिन होती है। दिस आउटपुट सिग्नल इज यूज टू इंडिकेट द सीआरटी सर्किट टू रिवर्स द वीडियो सिग्नल, तो वीडियो सिग्नल को रिवर्स करने के लिए सीआरटी सर्किट को इंडिकेट करने, इंगित करने के लिए इस आउटपुट सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। This is active at the cursor position. ये हमारा cursor position में active रहता है, सक्रिय रहता है। When a reverse video block cursor is programmed, जब हमारा reverse video का block cursor है, जिसको program किया जाता है, ठीक है। Next बात करते हैं light enable L10 output pin होती हमारी ये। The L10 output signal is used to enable the video signal to CRT. तो CRT पर हमारा video signal को सक्रिय करने के लिए, enable करने के लिए, सक्षम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। This output is active at the programmed underlined cursor position. तो हमारा जो आउटपुट होता है एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, कहां पर, हमारा प्रोग्राम्ड अंडरलाइन कर्सर पोजीशन पर, ठीक है। एंड एट द पोजीशन स्पेसिफाइड बाय द एट्रीब्यूट कोर्स, और जो हमारी पोजीशन हमारी निर्दिष्ट की गई है एट्रीब्यूट कोर्स पर, उस पर हमारा एक्टिव रहता है, ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं A0 पोर्ट एड्रेस, जो हमारी इनपुट पिन है। द इनपुट एड्रेस लाइन इज A0, तो इनपुट एड्रेस लाइन हमारी क्या A0 है। व्हेन दिस पिन इज हाई, जब हमारी ये पिन हाई होती है, तो क्या करती है हमारी, इट सिलेक्ट्स द सी पोर्ट, तुम्हारी सी पोर्ट को सिलेक्ट करती है, या फिर कमांड को सिलेक्ट करती है, कमांड रजिस्टर को, ठीक है। एंड द कमांड रजिस्टर सिलेक्टेड, या फिर कमांड रजिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड इफ इट इज लो, अगर ये हमारी लो होती है, द पी पोर्ट और द पैरामीटर रजिस्टर ऑफ द 8275 विल बी सिलेक्टेड, तो हमारा पी पोर्ट या फिर पैरामीटर रजिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है हमारा 8275 के, ठीक है, क्लियर बात। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा करेक्टर कोड, CC6 से लेकर CC0 तक हमारे आउटपुट पिन होती है हमारी, ठीक है। These are the output lines from the row buffers. तो हमारी row buffers से हमारी क्या होती है, output lines होती है, used for character selection from the character generator. Character generator से हमारा character selection करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Next बात करते हैं CS chip select input pin होती है हमारी, ठीक है। The read and write operations are enabled by CS. तो हमारे read और write के operation होते हैं, जो read and write के कार्य होते हैं, उनको enable किया जाता है, उनको सक्षम किया जाता है, उनको सक्रिय किया जाता है हमारा chip select के जरिए। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टर क्लॉक CCLK इनपुट पिन होती हमारी है। दिस इज अ क्लॉक इनपुट टर्मिनल दैट इज ड्रिवन बाय द डॉट टाइमिंग लॉजिक। तो हमारी क्या होती है, क्लॉक इनपुट टर्मिनल होता है, जिसको ड्रिवन किया जाता है हमारा, चलाया जाता है हमारा डॉट या टाइमिंग लॉजिक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ आउटपुट पिन होती हमारी है। द IRQ आउटपुट पिन इज यूज टू जनरेट एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द CPU। तो हमारा CPU होता है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, उस पर हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट को, इंटरप्ट अनुरोध को जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए इस पिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी हाईलाइट की, HLGT जो हमारी आउटपुट पिन है, ठीक है। दिस आउटपुट सिग्नल इज यूज टू इंटेंसिफाई द डिस्प्ले एट द पर्टिकुलर पोजीशन। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हमारा डिस्प्ले को हमारा इंटेंसिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑन द स्क्रीन पर, एज स्पेसिफाइड बाय द करेक्टर एट्रीब्यूट कोर्स और द फील्ड एट्रीब्यूट कोर्स। तो जो कि हमारी स्पेसिफाइड की जाती है, हमारी निर्दिष्ट की जाती है करेक्टर एट्रीब्यूट कोर्स के द्वारा और फील्ड एट्रीब्यूट कोर्स के द्वारा, उसके अनुसार हमारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल पर्पस एट्रीब्यूट कोड्स GPA1 to GPA0 आउटपुट पिन होती हमारी है, ठीक है। दीज आउटपुट सिग्नल्स आर अनेबल्ड बाय द जनरल पर्पस फील्ड एट्रीब्यूट कोड्स। तो इन आउटपुट सिग्नल्स को अनेबल किया जाता है, सक्षम किया जाता है हमारा जनरल पर्पस फील्ड एट्रीब्यूट कोड्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन एट्रीब्यूट कोड्स LA1 to LA0, ये हमारी आउटपुट पिन होती हमारी, ठीक है। दीज लाइन्स एट्रीब्यूट कोड्स हैव टू बी डिकोडेड एक्सटर्नली बाय द डॉट टाइमिंग लॉजिक। तो इन लाइन एट्रीब्यूट कोड्स को हमारा डिकोड किया जाता है हमारा एक्सटर्नली, बाहरी तरीके से हमारा डॉट टाइमिंग लॉजिक के द्वारा, ठीक है। टू जनरेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कॉम्बिनेशन को जनरेट करने के लिए, फॉर द ग्राफिक डिस्प्लेज के लिए, एज स्पेसिफाइड बाय द करेक्टर एट्रीब्यूट कोड्स, जो हमारी निर्दिष्ट की जाती है, स्पेसिफाइड की जाती है हमारी करेक्टर एट्रीब्यूट कोड्स के द्वारा, क्लियर बात।
तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी जो पिन है वीसीसी, ठीक है। दिस पिन इज कनेक्टेड विद द प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई, तो हमारी पिन कनेक्टेड होती है प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई से, ठीक है, क्लियर बात। तो नेक्स्ट पिन है हमारी ग्राउंड पिन जीएनडी, ठीक है। द ग्राउंड पिन ऑफ 8275 कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत कर रखा है, यहाँ पर ये 8275 सीआरटी कंट्रोलर की बात कर रहे हैं ना, तो ग्राउंड पिन है जो हमारी 8275 की, वो कनेक्टेड होती है हमारी पावर सप्लाई ग्राउंड टर्मिनल से। ग्राउंड पिन ऑफ 8275 कनेक्टेड होती है हमारी, जुड़ी होती है हमारी किससे, पावर सप्लाई ग्राउंड टर्मिनल से, क्लियर है बात। तो ये क्या हमारी कंप्लीट जानकारी है पिन डायग्राम ऑफ 8275 सीआरटी कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी पिन के बारे में जानकारी मिल गई होगी, तो पढ़िए और पढ़ाई अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनके भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।